बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ भी मेरे चाहने वाले मेरा चैनल देखने वाले होंगे, खुश आबाद होंगे, से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियों के साथ। अल्लाह से दुआ है हम सब की ज़िंदगियों का खात्मा बिलेमानो, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला की रेसिपी लेके हूँ। अल्लाह ताला के बबरकत पाक नाम से आपकी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साबुत मसाले हैं जो हमने पीसनी है। ये है 6 टेबलस्पून सूखा धनिया और 3 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और इसके साथ 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च है, और ये 2 बादियान के फूल हैं। आप लोग ये मसाले आराम से इजीली पंसार की दुकान से, स्टोर से भी मिल जाते हैं। और 3 तेज़ पत्ते होते हैं जिसको बे लीव्स के कहते हैं, वो डाल लेने हैं। 3 पत्तियाँ जावित्री की हैं और 3 स्टिक ही दालचीनी की है, और इसके साथ 6 मैंने हरी इलायची ली है, और ये जायफल है। जायफल का छिलका उतार देते हैं, जो गिरी है वो इसमें डाल देनी है, और 6 ही काली इलायची ली है। 12 से 14 मैंने लौंग ले लिए हैं। ये तमाम मसाले जो हैं इसको हम हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके हम इसको पीसेंगे। रोस्ट करने का यही होता है कि इसकी नमी ख़त्म हो जाती है, और अरोमा बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा, और देर पा ये मसाले रहते हैं, ये ख़राब नहीं होते। इनको 2-3 मिनट हल्की आंच पे भून के मैं ठंडा कर लेती हूँ। ये मसालों को मैंने ठंडा कर लिया। अब ये पीसे हुए मसाले हैं। 6 टेबलस्पून पपरिका पाउडर है, 6 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और 1.5 टेबलस्पून नमक है, और 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर है, और इसके साथ ये 3 टेबलस्पून अदरक का पाउडर है, और 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड जिसको टार्टरिक कहते हैं वो है, और 1.5 टेबलस्पून ही हल्दी है, और 3 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर है। ये तमाम मसाले आप लोग, सिर्फ यही नहीं है, मैं बाकी भी हैं। बाकी मैं पहले वो साबुत मसालों को पीस लेती हूँ। आप लोग वीडियो फुल वॉच करिएगा, स्किप ना करिएगा, ताकि कोई स्टेप आपसे रह ना जाए। ये जो मसाले हैं, जो साबुत मसाले हैं, इसको बारीक पाउडर बना लेते हैं, पीस लेते हैं। मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। कोई स्टेप आप लोगों का अगर रह गया तो आप लोग कहेंगे कि फ़्लेवर अच्छा नहीं आया। ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत बरकत वाले होते हैं। मैं घर में यही मसाले घर में बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, सस्ते भी पड़ते हैं, महंगाई काफ़ी है। इसको पीस लेते हैं, अच्छा सा पाउडर बना लेते हैं। ये मैंने इसको पाउडर सा बना लिए है। अब जो हमारे पिसे हुए मसाले हैं वो भी इसमें डाल के एक सिर्फ झटका लगाना है, ताकि आपस में मिक्स हो जाए। ये तमाम मिक्स हो गए हैं। अब इसमें जो चीज़ें बाकी डालनी थी वो ये हैं। 1/4 टीस्पून ज़रदा रंग है, जो खाने वाला ज़रदा रंग है, पीला रंग, वो डालना है, और 1/4 टीस्पून ही तंदूरी रंग, लाल रंग जिसको कहते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये चीज़ क्या है, ये है चिकन पाउडर, 2 टेबलस्पून है। ये डोंगे वाला है इसलिए एक है, ये 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर। ये चीज़ें ला के रखें बाज़ार से, जो हम इतने महंगी चीज़ें लेते हैं, आप लोग घर में बनाएं, माशाल्लाह ये बहुत बरकत वाला होता है। 6 से 8 महीने आराम से किचन कैबिनेट में रखें, लेकिन इसके से पहले कि ये ख़राब हो जाए, इसको सेव करने के लिए 3 से 4 ड्रॉप्स मैं इसमें मूंगफली का ऑयल डालूँगी। और ये इससे ये है कि हमारे मसाले कभी कीड़ा नहीं लगता, सुंडी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता। आप लोग ज़रूर इसको इसमें डाल के एयर टाइट कंटेनर में, डिब्बे में बंद करके रख लीजिए, किचन कैबिनेट में बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और इससे पहले कि हमारी वीडियो ख़त्म हो, इंशाल्लाह आगे जाके मैं, मेरी कोशिश है इससे पहले पहले और रेसिपीज़ भी लेके आऊँ। अच्छे अच्छे मसाले हैं, मेरी रेसिपी है, जितने मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती करूँगी। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि ये ईद हम सबकी नहीं है, हम लोग सारा साल गोश्त खाते हैं, इस पे गरीबों का भी हक है। वो लोग जो सारा साल अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से अपील है कि उनका हिस्सा भी निकालिएगा, उनको अच्छा गोश्त खिलाइएगा, यही हमारे लिए ज़्यादा हक होगा, और इसी का अल्लाह ताला अजर देगा। हम लोग तो खाते रहते हैं, हम लोग भी इंजॉय करें, खुद भी इंजॉय करें, बारबेक्यू भी बनाएं, लेकिन गरीबों का पहले हक अदा करें, उनको कोशिश करें अच्छा खासा दें, ताकि वो अपना एक टाइम का खाना बना सकें।
इसको बना के स्टोर करिएगा और मुझे इसका फीडबैक दें कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए अगर आप लोगों को और मसालों की रेसिपी चाहिए। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।